बच्चों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आ जाओ यार, सारे बच्चे आ जाओ। एनी न्यू स्टूडेंट ओवर हियर? यस, यश इज ऑल्सो देयर। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आ जाओ। अच्छा देखो, जो भी न्यू स्टूडेंट है, वापस मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 3 अभी अभी स्टार्ट हुआ है। चैप्टर नंबर 3 के जो भी 2-3 अपने प्रीवियस लेक्चर थे वो फटाफट से देख लो और हमारे साथ में आ जाओ, ठीक है? और यहाँ से आज से भी जितना मैं पढ़ा रही हूँ इकोनॉमिक सब्जेक्ट, गाइस आप कभी भी आ रहे हो, जहां से मैं आ रही हूँ वहां से स्टार्ट करो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, गारंटीड, ठीक है? ओके चलो आ जाओ। अच्छा फटाफट से अपने टारगेट बता दो, व्हाट्स योर टारगेट? आउट ऑफ या थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा, बोलो। हाँ तो फिर फटाफट से रिकॉल कर लो अपने टारगेट। यस ओके, तो चलो गाइज, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद योर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मतलब कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और वो याद आ रहे कि कौन से फैक्टर्स है जो रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। वो नेहा बोली थी, अरे मैडम अगर उसने मेरे को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज नहीं किया तो मैं उसको छोड़ दूंगी, अरे मैडम मेरे को गिफ्ट वगैरह नहीं दिया तो मैं उसको छोड़ देने वाली हूँ। मतलब ये वो फैक्टर्स है, ठीक है, ये वो फैक्टर्स है जो रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। मतलब उससे रिलेशनशिप डमाडोल हो सकती है, तो ये वो फैक्टर्स है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे, समझ में आ रहा है? ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, याद आ रहा है? अरे अच्छा खासा एग्जांपल लिया था वो नेहा, बाद में बोली थी मैडम अगर उसने मेरे को पैम्परिंग नहीं किया, उसने मेरे को अपना टाइम नहीं दिया ना, मेरे साथ ऐसे मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक को नहीं चला तो मैं उसको छोड़ दूंगी। फिर नेहा बोली थी मैडम अगर मेरे को बाबू सोना वगैरह से बोल के ऐसे मेरे को प्यार से मनाया नहीं ना, जब मैं रूठ जाऊँ तो मैं उसको छोड़ दूंगी। मतलब उसके इतने सारे कंडीशन थे गाइस। तो ये कंडीशन नहीं है, ये इतने सारे फैक्टर्स है जो उसके रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। डन एवरीवन? सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उसने मुझे चाय नहीं दिया तो मैं उसको छोड़ दूंगी, बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो चलो आ जाओ क्विकली रिकॉल करते हैं। पहला फैक्टर हमने क्या देख लिया था, वी हैव सीन फर्स्ट फैक्टर, कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो गई सबसे पहले तो अगर मैं किसी शॉप में जाऊँ तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि भाई भैया उसका प्राइस क्या है। अच्छा ये प्राइस है तो उसमें कितना सा आएगा, कितनी चीज़ें मिलेगी, ठीक है? मतलब मान लो अगर आप मैकडी में भी जा रहे हो, मैकडोनल्ड्स में जा रहे हो, और अगर आपने एक मील का प्राइस पूछा है तो आप यही पूछोगे ना, भैया वो मील की प्राइस क्या है और उस मील में कितनी क्वांटिटीज आने वाली हैं। यस नो, प्राइस और क्वांटिटी पूछोगे। तो पहला अफेक्ट, मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या हो रहा है गाइस? अगर प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगी तो आप वो नहीं लोगे, आप दूसरा कोई मील लेना पसंद करोगे, है ना? तो सबसे पहला फैक्टर कौन है जो डिमांड को अफेक्ट करता है? फर्स्ट फैक्टर इज योर प्राइस। वो तो बहुत ही सिंपल है, अगर प्राइसेस बढ़ जाएगी तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे या कम करोगे? टेल मी फटाफट से, ज़्यादा या कम? जल्दी, ऑब्वियसली कम। तो प्राइसेस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम होता है, और अगर प्राइसेस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। यस, अगर नेहा पार्टी देने के लिए गई है, ठीक है, डोमिनोज में, तो वो ये देखी कि भाई एक पे एक फ्री वाला कोई ऑफर है क्या, और अगर एक पे एक फ्री ऑफर है तो वो बोलेगी भैया तो दो पिज्ज़ा दे दे, मतलब दो पे दो फ्री आ जाएंगे। यस और नो, ठीक है? फिर वो चार लोगों को क्या, वो आठ लोगों को भी पार्टी दे देगी, क्यों? क्योंकि प्राइसेस कम है तो उसने क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर दी। यस और नो गाइस? डन फर्स्ट पार्ट। यस एवरी वन ऑफ यू न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो जो आज से देख रहे हैं बेटा, मेक श्योर आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखोगे, चैप्टर 3 के पहले पूरे लेक्चर देख कर आ जाओ, ठीक है? आप यहाँ से मेरे साथ साथ करो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है? ओके, और दूसरा फैक्टर हमने क्या देखा था, ये बचा था, हाँ फिर हमने देखा था कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था। अरे अभी आपको ये न्यूज़ पता है ना, अभी हरीश सर और मनीषा मैम को बेबी हुई है, तो हरीश सर खाते हमारे दो चपाती, फिर मनीषा मैडम खाती है दो चपाती, और ये उनके दो बेबी हुए हैं चुन्नू और मुन्नू, ये उनके दो बेबी हैं चुन्नू और मुन्नू, ठीक है? तो ये लोग भी दो दो चपाती खाते, तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ गई आपने डिमांड ज़्यादा कर दी। यस और नो गाइस? डन। देखो इधर साइड ऑफ पॉपुलेशन, चलो ठीक है, आज एक काम करते हैं, रिकॉल भी कर रहे हैं और साथ साथ लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ के एक बार इसको निपटा ही डालते हैं, है ना? चलो आ जाओ यार, आ जाओ वापस से एक बार हम लोग प्राइस में जाते हैं। प्राइस वाला पढ़ रहे थे, क्या बोल रहा है प्राइस? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मेनली इन्फ्लुएंस बाय इट्स प्राइस। नेहा को पार्टी देनी है या नहीं देनी है वो प्राइस पे डिपेंड करता है, मैकडी की या डोमिनोज की प्राइस पे डिपेंड करता है। डन एवरीवन? समझ में आया फर्स्ट लाइन? नॉर्मली इट इज ऑब्जर्व, नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये देखो ये अपवर्ड एरो है,
नोट्स में आपको अपवर्ड आरो मिलेगा और कलर्ड नोट्स मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ले रहे हो तो कलर्ड नोट्स लो, ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपको एग्जाम टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ रेड मार्किंग जो दिख रही है नोट्स की, बस उतना रिविजन करना खत्म, ठीक है, मेक श्योर। चलो, जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगा? देखो, मैंने वही वही चीज़ें हाईलाइट किया जो इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो आप लोग नोट्स, देख रहे हो? ये देखो, अब देखो क्लियरली, जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ये वाइस वर्सा मतलब, वाइस मतलब होता है प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा फटाफट से अपने नोट्स में आप यहीं पे शॉर्ट में लिख कर रखो, क्या लिख के रखोगे? प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। इन सिंपल वर्ड्स, इंक्रीज इन द प्राइस, डिक्रीज इन द डिमांड, एंड डिक्रीज इन द प्राइस एंड इंक्रीज इन द डिमांड, सेम पार्ट है, लिख दिया मैंने आपके नोट्स में भी, ठीक है। बट इसको एक बार ना यहाँ पे ऐसे ऐसे डब्बा बना दो, बॉक्स बना दो, बॉक्स बना के लिखो। एग्जाम के मोमेंट में सिर्फ इतना देखा, टाइम नहीं है तो भी सफिशियंट, हम प्रॉपर आंसर लिख कर आएंगे, ठीक है। डन फर्स्ट वाला पार्ट, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझा आपको प्राइस वाला पार्ट। बढ़ू आगे? यस, ओके जी, ठीक है, चलो आ जाओ। सेकेंड, अब हमने क्या एग्जांपल लिया था? वो चुन्नू मुन्नू का एग्जांपल लिया था, हरीश सर और मनीषा मैम को दो बेबी हुआ है, तो चुन्नू मुन्नू है, तो वो अब पहले हरीश सर दो चपाती खाते थे, मनीषा मैडम दो चपाती खाते, अरे दोनों डाइटिंग करते हैं यार, दोनों डाइट कॉन्शियस है, दो ही चपाती खाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में वो चुन्नू मुन्नू भी अब दो खाएंगे तो कितने हो गए? अब घर में कितनी, पहले चार चपाती लगती थी, अब घर में कितनी चपाती, अब आठ चपाती लगेगी, तो ये क्या हो गया? इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज, अगर जो साइज है पॉपुलेशन की वो लार्ज है, देयर विल बी हाई डिमांड फॉर गुड्स। पॉपुलेशन बढ़ गया ना फैमिली का, अ कंट्री विथ लो पॉपुलेशन विल हैव रिलेटिवली लो डिमांड, ठीक है। ऐसी कंट्री जिसका लो पॉपुलेशन, वहां पे डिमांड भी लो होगी, बहुत कॉमन सेंस है ना। तो चलो यार, ये गई थी एग्जाम्पल्स भी लिख के रखना, आपको पूरा लेक्चर याद आ जाएगा अगर आप एग्जाम्पल्स मेरे साथ साथ लिख लोगे तो। और यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाओ, प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? प्राइसेस नहीं, सॉरी, पॉपुलेशन, ये इसको पीओपी लिखो, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर पॉपुलेशन जो है वो अगर आपकी कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस, डन। बढ़ू आगे, तोड़, एक एक लाइन समझ में आ रहा है? एग्जाम में पहले लाइन लिख लो और नीचे ऐसे बॉक्स बना के एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन करो, मतलब दोनों लिखने बोल रही हूँ मैं आपको नेहा, एग्जाम में मैं आपको दोनों लिखने बोल रही हूँ, मतलब मैं आपको ये इस तरह से पूरा लिखने बोल रही हूँ, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इस तरह से, और लास्ट में मतलब इसके नीचे यहाँ पे ये एरो बना, ये ऐसे बॉक्स बना के लिखना, अरे जबरदस्त मार्क्स मिलेंगे, मतलब ऐसा प्रेजेंटेशन किसी ने किया ही नहीं होगा आपके पूरे हॉल में, ठीक है, पूरे एग्जाम हॉल में आपके आगे से फर्स्ट बेंच से लेके लास्ट बेंच तक किसी ने ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं किया होगा। इस तरह से प्रेजेंटेशन करो गाइस, आउट ऑफ मिलना ही है, ठीक है, ओके। चलो जी, फिर नेक्स्ट हमने देखा था लेवल ऑफ टैक्सेशन। अभी पता है क्या क्या हुआ था हमारे एग्जाम्पल में? अभी नेहा गई, नेहा जाती है डोमिनोज का, उसने ऑर्डर करती है, जब वो लिस्ट देखती है, मेनू कार्ड देखती है, तो 464 रुपीज़ दिखता है, जब उसमें टैक्सेस वगैरह जीएसटी वगैरह ऐड होता है, ठीक है, गुड्स और सर्विस टैक्स पे क्या लगता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड, ये जीएनएस क्या है गाइस नोट्स पे? गुड्स एंड सर्विसेज है। आपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना, ठीक है, टू बी वेरी क्लियर, आपने एग्जाम में पूरा शिद्दत से ईमानदारी से गुड्स एंड सर्विसेज ही लिखोगे, ठीक है, ओके। नाउ अब पिज्जा क्या है? गुड्स है, तो उसमें जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? कॉमन सेंस, हाँ मैडम लगेगा, क्योंकि अभी वन नेशन वन टैक्स है, सिर्फ जीएसटी ही है अप्लीकेबल, ठीक है, तो इसमें जो टैक्सेस लग रहे हैं कुछ परसेंटेज लग रहे हैं मान लो, और ये टैक्सेस लगने के बाद में ये जो पिज्जा है ये नेहा को मिलता है 700 रुपये का। अब नेहा बोलती है, भाई रुक रुक रुक, तू एक काम कर, एक ही दे मेरे को, एक ही दे, एक पैक फ्री आ रहा है ना, हम 8 लोग मैनेज कर लेंगे, छोड़। क्या हो रहा है गाइस? हायर द रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ गुड्स, जितना ज्यादा रेट लग रहा है, देखो एक काम करो, यहाँ पे कुछ राउंड फिगर लेते हैं हम लोग, ठीक है, मान लो वो 1000 रुपए का है जो भी आप खरीद रहे हो, उस पे पहले जो जीएसटी था वो 30% था, तो ये कितने का गुड्स हो जाएगा? 1300 का। अब जैसे ही जीएसटी का रेट, आपके टैक्सेस का रेट बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया? 50% टैक्सेस का रेट हो गया, तो कितने का हो गया ये प्रोडक्ट गाइस? 1500 रुपए का प्रोडक्ट हो गया, मतलब टैक्सेस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? टैक्स बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? महंगा हो गया तो
बोलो आप खुद सोचो, शांति से बैठ के सोचो। देखो टैक्सेस बढ़ गए, टैक्स बढ़ गया, टैक्स का रेट, इसकी बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आना चाहिए। क्या हुआ है? टैक्सेस बढ़ गए हैं, इंक्रीज इन टैक्स हुआ, ठीक है। तो प्राइसेस बताओ मुझे, प्राइसेस बढ़ गए? हाँ मैडम, प्राइस भी बढ़ गए, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? मैडम कम कर देंगे ना, इतना 1500 रुपये का कौन किसको पार्टी दूंगी मैं क्या 3000 रुपये की पार्टी दूँ क्या? ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे तो प्राइसेस कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यस और नो? डन। बॉक्स बनाओ एवरीवन। गई मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो यार, नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चलो। ये समरी नोट, चार्ट नोट जो भी है, ये यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाली, ठीक है। ओके डन, बढ़ू आगे? कल कर लिया था हमने सारी चीज़ें, सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। बढ़ू पक्का? ओके अच्छा, फिर हमने देखा था एक एग्जांपल लिया था एडवर्टीजमेंट्स। गाइस एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में कैसा है? मान लो अरे ये देखियो क्या, केश किंग तेल, केश किंग तेल। तो इसके एडवर्टीजमेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है ना वो कंज्यूमर उसकी तरफ खींचा चला आ जाता है। लॉरियल के जो प्रोडक्ट्स है, एडवर्टीजमेंट, लैक्मे के प्रोडक्ट्स कैसे इतने पॉपुलर हुए? एडवर्टीजमेंट्स। यस सर नो? जितना अच्छा आप एडवर्टीजमेंट करोगे, जो अच्छा दिखता है ना वही बिकता है आजकल, ठीक है। तो अच्छे अच्छे वो लोग पैकेजिंग करते हैं, अच्छी तरह से सेल्स प्रमोशन करते हैं, मामाज अर्थ का जो प्रोडक्ट है, मामाअर्थ का, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट सेल प्रमोशन स्कीम्स उन्होंने अभी इनको लिया है, क्या नाम है वो, सारा अली खान को लिया है सेल्स प्रमोशंस के लिए। एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप, और इफेक्टिव कौन सा शिप? सेल्समैनशिप टेंड टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड लीड टू हायर डिमांड। मतलब एडवर्टीजमेंट तो है ही है रे भाई, लेकिन उसके साथ साथ सेल्स प्रमोशन स्कीम। अभी सेल्स के प्रमोशन स्कीम क्या क्या हो गए? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, सेल्स प्रमोशन स्कीम? इसका मतलब क्या हुआ बताओ मुझे? अरे 10% ऑफ, 20% ऑफ, ऑफ, समझो अपना सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स प्रमोशन स्कीम, सेल्स प्रमोट करने की स्कीम। सिंपल, क्या स्कीम दोगी? ऑफर दे देंगे, ठीक है, एक पैक फ्री दे देंगे। जैसे कई बार होता है मामाअर्थ का तो जो प्रोडक्ट है वो इसी तरह से बहुत आगे बढ़ा, बिकॉज उन्होंने हमेशा 1-for-1 का हमेशा प्रोडक्ट का ये रखा है ना। एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप, और साथ ही साथ साथ इफेक्टिव सेल्समैनशिप मतलब प्रोडक्ट टाइम पे मिलने का, प्रोडक्ट टाइम पे मिलेगा, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? अच्छा कुछ अगर डिफॉल्ट होगा तो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, ये क्या है? दिस इज इफेक्टिव सेल्समैनशिप। यस और नो? दिस टेंड टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अभी आप क्या सोचोगे यार, वो वाली कंपनी का इतना प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ना अगर कुछ खराब निकले ना तो ये वाला जो है, मतलब ये जो ऐप में यहाँ पे डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाता है, जैसे मिंत्रा है, ठीक है, मिंत्रा में अगर आपको कुछ रिटर्न करना है तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आ जाता है। तो इट टेंड टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इसलिए लोग मिंत्रा से खरीदते हैं। इट लीड टू हायर डिमांड, जिसके कारण डिमांड बढ़ जाती है। तो अभी यहाँ पे कैसे लिखोगे, क्या लिखेंगे हम लोग? चलो लिखो, साइड में ऐसे डब्बा बनाओ, बनाओ रे भाई। एडवर्टीजमेंट अगर बेहतरीन एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट अच्छा है तो डिमांड क्या हो जाएगी? मैडम प्राइस, अरे प्राइस क्यों आए इधर बीच में? एडवर्टीजमेंट और डिमांड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गई तुम्हारा टॉपिक क्या है पहले फटाफट बताओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसेस है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है? डिमांड है ना, तो एडवर्टीजमेंट का डिमांड पर इफेक्ट पड़ता ना, बस खत्म ना, बार बार क्यों प्राइस को बीच में घुसाने का? कुछ भी, एडवर्टीजमेंट अच्छा हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांड, क्यूडी क्या है गाइस? नोट्स में हर जगह क्यूडी क्या है? क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर एडवर्टीजमेंट आपने नहीं किया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस और नो? समझ में आ रहा है कंसेप्ट एवरी वन ऑफ यू? फॉर एग्जाम्पल वहां पर लिखा है कि ड्यूरिंग द बिग बिलियन डेज सेल ऑन फ्लिपकार्ट, जैसे सबसे सस्ते दिन ऑन बिग बाजार, People buy lot of unwanted goods at present because just prices are low and lot of promotion. Okay, lot of promotion मतलब, अरे हर जगह वही ad दिखती है। TV देख लो, mobile देख लो, Truecaller देख लो, आप Facebook देख लो, Insta देख लो, हर जगह वही ad दिखती है, तो sales promotions। समझ में आ रहा है everyone? Done? एक भी word का मतलब ऐसा है जो आपको नहीं समझ रहा तो मुझसे अभी भी पूछ लो, बिकॉज ये सारे आंसर आपको खुद से लिखने होंगे। समझाना बहुत ईजी है, रट्टा नहीं मानना है, बस इतना ध्यान रखना।
ठीक है, एनी वर्ड्स जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैडम ये हमें ध्यान में नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा कुछ है, कुछ लिख लोगे अच्छे से, पढ़ लो एक बार शांति से पढ़ो। एडवर्टीजमेंट में क्या क्या लिखेंगे? एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन प्लस इफेक्टिव सेल्समैनशिप। कल को कुछ प्रोडक्ट खराब हुआ तो वो रिटर्न कर लेंगे, ठीक है, दिस इज नोन एज योर इफेक्टिव सेल्समैनशिप। टेंड टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड लीड टू हायर डिमांड, सिंपल। और लास्ट में एग्जाम्पल दे दो मैम, जरूरी है कि एग्जाम्पल लाइन बाय लाइन वर्ड बाय, नहीं, एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, डिक्टो होना चाहिए, एग्जाम्पल आप अपने मन से लिखो, ठीक है, ओके, बढ़े आगे। तो चलो गाइस आ जाओ इधर, ये तीन पार्ट्स हमने देख लिए थे और अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो आ जाओ, ये देखो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी सबके एग्जांपल्स ले लेके, है ना। पॉइंट नंबर 4, इनकम। अब ध्यान से सोचना, अगर आप ध्यान से सोचोगे आपके खुद के पास में आंसर है, हमें नोट्स में देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग खुद सोचेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे। चलो क्या बोला है, इनकम। इनकम भी, ये भी एक ऐसा फैक्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, जब मान लो, एक मिनट, एग्जाम्पल निहाल, निहाल निहाल, ठीक है, अभी निहाल क्या करता है, निहाल देखो अभी उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, अभी वो जाता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं जॉब वॉब करता हूँ थोड़ा सा, अब मैं मम्मा पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं मेरे खर्चे खुद निकालने वाला हूँ। तो पापा, उसकी मम्मी पापा तो खुश होंगे, ऑब्वियसली कौन खुश नहीं होगा, तो ठीक है जाओ, ठीक है जाओ जॉब करो। तो इसको फर्स्ट इसकी सैलरी मिलती है 5,000 रुपये, 5,000 उसकी सैलरी है, 5,000 उसका क्या है गाइस, इनकम है। निहाल खूब एकदम सुबह तैयार होके मस्त रेडी कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, वैसा करो वैसा करो, और इनकम कितनी मिल रही है उसको अभी, अरे स्टार्टिंग जॉब है गाइस, इतना ही होता है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, 5,000। और वो कौन सा काम कर रहा है, अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क कर रहा है, आप एक CA के ऑफिस में जाके। अरे आपको पता है क्या, ये इतना ये है ना, ये क्या बोलता है, मैडम टैली वगैरह सीखने, अच्छा गई थी, मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ, और ये एग्जाम्पल आप सभी के लिए सीख है, ठीक है, एग्जाम्पल को सीरियसली लेना। ये निहाल बोलता है मैडम टैली का मेरे को सीखना था, और टैली अगर मैं सीखना चाहूँगा ना, तो वो टैली ERP वाला, ये मुझे सिखाने के लिए ना कम से कम 3,500 रुपये मेरे लोकल एरिया में, लोकल क्लासेस में मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, और उसके बाद भी जॉब वॉब की कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मुझे जॉब प्लेसमेंट वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल 3,500 रुपये। तो ये बोलता है यार निहाल कि क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, मैं CA के ऑफिस में ही जाके जॉब कर लेता हूँ, वो जो काम बोलेगा मैं करने के लिए रेडी हूँ, तो एटलीस्ट वो मेरे को 5,000 रुपये महीने का तो देगा, और मैं सुबह चले जाऊँगा, मैं सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक काम करूँगा। यहाँ पे इसके दोनों पर्पज सॉल्व हो रहे हैं, ये बंदे को पैसा मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और टैली भी सीखना हो गया है, समझ रहे हो, पैसा भी मिल रहा है और टैली भी सीखना हो गया है, इसके दो पर्पस सॉल्व हो गए। यहाँ पे तो उसको पैसा देना पड़ रहा था निहाल, यहाँ पे निहाल को पैसे मिल रहे हैं टैली सीखने के और काम करने के, यस सर नो। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतरीन टैली तो आपको कोई सिखा ही नहीं सकता, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ रहा है, उसको एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। तीसरा फायदा एक और हो रहा है कि उसको एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एक्सपीरियंसेस काउंट हो रहा है उसके रेज्यूमे में, मतलब जो भी उसका बायोडाटा बोलते हैं, रेज्यूम बोलते हैं उसे हम लोग, बायोडाटा नहीं बोलते गाइस, रेज्यूम बोलते हैं, ठीक है, तो उसके रेज्यूम में एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है कि भाई उसने 2 साल CA के ऑफिस में काम किया और उसको इतना इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है, डन, एग्जाम्पल समझ में आया। अच्छा अब यहाँ पे मैं आप सभी को एक बोलना चाहूँगी कि गाइस डोंट वेस्ट योर फीस इन डूइंग टैली और एनी कोर्सेस, इंस्टेड ऑफ आफ्टर 12 बिंदास चले जाओ CA के ऑफिस में, आपके आसपास में बहुत हज़ारों CA के ऑफिसेज होंगे जहाँ पे आप, अरे नहीं 5,000 दे रहे हैं ना, 3,500 से कम तो देंगे ही नहीं, और 12 बेसिस पे, ठीक है ना, 5 घंटे के ऊपर वो काम भी नहीं रहता है, 5 आवर्स के ऊपर वो, 5 to 6 आवर्स के ऊपर आपसे वो काम भी नहीं करवाएंगे, और उल्टा आपको टैली भी सीखने मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको रिज्यूम में भी ऐड करने को मिलेगा, और क्या चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये दिस इज़ फॉर ऑल ऑल ऑफ यू ऑल, मतलब डोंट वेस्ट योर फीस, डोंट मतलब अपने
पेरेंट्स का पैसा वेस्ट मत करो, खुद इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और जितनी जल्दी सीखे ऑफिस में जाके काम करना सीखोगे ना, उतना जल्दी यू विल गेट स्ट्रांग, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, आपको आपके जो वैल्यूज है, ये जो पैसे है ना, इनको इनकी वैल्यूज मालूम पड़ेगी। भले 3.5 कमाओ, 5 कमाओ, 2 कमाओ, 1 कमाओ, फर्क नहीं पड़ता गाइस, ताली सीखने मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है रेज्यूमे में, ये दो ही बहुत बड़ी बात है। बच्चों का बीकॉम क्लियर हो जाता है और उनके बाद में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उससे तो लागू ना बेटर है कि हमने 12th में, आप खुद सोचो ना, 12th पास हो जाओगे, ठीक है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और एक बीकॉम वाला बंदा और आपका, ये बंदा जब आएगा ना जॉब के लिए, तो ये आपसे पूछेगा और पूछ के काम करेगा, समझ रहे हो। तो ये सबके लिए था, लड़कियां हैं, लड़के हैं मैम, बट उनको हमसे क्या फायदा। अरे बेटा वो आपको काम करवाएंगे ना, वो थोड़ी ना आपको पैसे लेंगे, वो थोड़ी ना आपको फ्री में 5,000 रुपये कौन देता है। श्रद्धा पूछ रही है, मैम लेकिन उनको हमसे क्या फायदा, वो आपको काम करवा रहे हैं, वो आपको एकदम बेसिक जर्नल एंट्री का काम देंगे और आप टैली सीख जाओगे। जर्नल एंट्रीज पता ना अकाउंट्स में, अरे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हाँ, तो वो सारी चीजें वो आपको करना सिखाएंगे, कैसे वाउचर्स क्रिएट करते, कैसे लेजर क्रिएट करते, लेजर अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, सारी चीजें आप बनाना सीखोगे, समझ में आ रहा है। ओके चलो ठीक है, नाउ कम बैक टू आवर एग्जांपल, ठीक है। तो निहाल भाई हमारा जॉब कर रहा था और उसको मिल रहे थे 5,000 रुपये। इनफैक्ट ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई ना बेटा, ये आप आपके सारे फ्रेंड्स लोगों को भी सजेस्ट करो, अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उससे अलावा उसके मतलब वो पैसे यूज़ करो, बहुत सारे मार्केटिंग कोर्सेज आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग आ रहे हैं, इस ये सारे कोर्सेज करो अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं तो, ठीक है। कुछ अच्छा करो ना यार, टैली वगैरह तो हम फ्री में सीख सकते हैं, तो क्यों उसके लिए पैसे वेस्ट करना, ठीक है। चलो आ जाओ, तो निहाल जॉब कर रहा था, वो 5,000 रुपये कमा रहा था। अब मुझे बताओ यार, वो 5,000 में कितना खर्चा करेगा, जब उसकी इनकम से 5,000 है, ठीक है, तो ऑफिस में जाना है, कुछ खरीदना है, मतलब एक फॉर्मल अटायर खरीदना है, क्या बोलोगे आप, फॉर्मल शर्ट पैंट वगैरह खरीदना है, टाई खरीदनी है, ये सारी चीज़ें उसमें पैसे लग जाएंगे उसके, मतलब, और घर में वो दे ही नहीं पाएगा कुछ। और जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी 1 ईयर के बाद में, 1 या 2 ईयर्स के बाद में, चलो मैक्सिमम 2 ईयर्स तक में तो आपकी इनकम 10,000 हो ही जाएगी, ठीक है। और जब निहाल की इनकम बढ़ गई तो मुझे बताओ वो क्या क्वांटिटी डिमांड करना ज़्यादा करेगा या कम करेगा। मैडम इनकम बढ़ गई ना, अब तो वो अपनी मॉम को, गर्लफ्रेंड को, डैडी को, सबके लिए, भाई बहन सबके लिए गिफ्ट लेगा, यस और नो, ठीक है। तो फंडा क्या आ रहा है माइंड में, क्या आ रहा है कंसेप्ट, कि जब इनकम कम है, ठीक है, 5,000 है, तो वो क्वांटिटी डिमांड क्या करेगा, कम करेगा मैडम, ऑब्वियसली इनकम कम है। और जब इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्वांटिटी डिमांड क्या करेगा गाइस, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर देगा, लिख लो वहाँ पे ये चीज़, समझ में आ रहा है एवरीवन ऑफ यू, यस, कंसेप्ट समझा पक्का से, ओके। तो चलो आ जाओ नोट्स में आ जाओ, इनकम एक बार फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं। इनकम में क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिटरमाइंस द परचेजिंग पावर। अच्छा इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांड क्यों बढ़ जाएगी मैडम, अरे पैसे से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं ना, खरीद सकते हैं, परचेज करने की पावर बढ़ जाएगी निहाल की। अगर निहाल की इनकम बढ़ गई ना तो निहाल की परचेजिंग की पावर बढ़ जाएगी, विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिमांड, जो अल्टीमेटली डिमांड पे अफेक्ट करती है। निहाल की इनकम बढ़ी, निहाल की परचेजिंग पावर बढ़ी और अल्टीमेटली डिमांड बढ़ी। तो एक काम करो, अपना जो नोट्स है उसमें जो हमने ये चार्ट बनाया, यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करो, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और जिसके कारण क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। बस इस तरह के नोट्स बनाओ फटाफट से, एग्जाम में से इतना ही रिकॉल करने का, डन तोड़, ठीक है, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज ही विल स्पेंड मोर, ऑब्वियसली सबके लिए गिफ्ट लेगा वो, एज अ रिजल्ट ही विल डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आप इज्जतदारी से एग्जाम में गुड्स एंड सर्विसेज लिखोगे, ठीक है, ओके। सिमिलरली इनकम डिक्रीज इन इनकम विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड, क्यों, बिकॉज परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, समझ मारे कंसेप्ट एवरी वन ऑफ यू। तो फटाफट से वाला चार्ट जो मैंने अभी बना के दिया आपको वो यहाँ पे बना लो। अच्छा इनकम को हमेशा वाई से डिनोट करते हैं, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के कुछ अपने टर्म्स होते हैं, तो इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इंक्रीज इन इनकम
इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, डिक्रीज इन वाई, डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड. डन गाइज, एवरी वन ऑफ यू तोड़ कंसेप्ट समझाओ. यस, पक्का से एवरी वन ऑफ यू. यस ना, अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हैं ना, कोई मराठी मीडियम का बच्चा है तो वो भी अपने ओन वर्ड में लिख सकता है. यस और नो, बट अपने नोट्स ध्यान में रखना, ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे रही हूँ लेक्चर्स के दौरान. ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 7 में. मुझे एक बात बताओ, टेस्ट, हैबिट्स, फैशन. अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके क्वांटिटी डिमांड को वो अफेक्ट करता है, ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करता है, ऊपर नीचे करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मैडम कैसे, चलो आ जाओ शांति से सोचते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है. टेस्ट, हैबिट एंड फैशन. अपने दादाजी, मुझे एक बात बताओ, अपने दादाजी और नाना जी लोग जो रहते हैं घर में, ठीक है, बड़े लोग जो रहते हैं, क्या वो कॉफ़ी वगैरह पियेंगे तुम्हारी, वो डलगोना कॉफ़ी और ये सब कुछ पियेंगे? उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, टी. उनकी टेस्ट ही वही है, उनका हैबिट ही वही है, यस और नो? ठीक है, उनको चाय ही चाहिए, वो तुम्हारा शेक वगैरह कुछ नहीं पियेंगे. मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, अगर लड़कियां ट्राई भी करती होगी तो बिंदास कर लो, नहीं पीते हैं. मतलब बड़े लोग अपने घर के, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद आती, यस और नो? तो पर्टिकुलर उनका टेस्ट रहता है, उनका हैबिट रहती है, उनकी इतने सालों की आदत रहती है कि उनको ना चाय से ही नींद खुलती है, उनको चाय से ही, जो उनको यू नो, जो बॉडी में आलस होता है, एक पर्टिकुलर 4 बजे चाय चाहिए तो चाहिए. तो क्या हो गया, ये हैबिट हो गई है, ये आदत हो गई है, उनका टेस्ट वैसा हो गया है, ठीक है. अच्छा, अपन पनीर की सब्जी वगैरह खा सकते हैं, अपन पिज्ज़ा खा सकते हैं, अपने दादाजी और ये बड़े लोग घर के खा सकते हैं, इनफैक्ट अपने मॉम डैड भी खा सकते हैं क्या गई, अपनी तरह चीज़ें खा सकते हैं. टेल मी, आपको मोमोज पसंद है, वो मोमोज देके बोलेंगे कुछ भी खाते हो, कुछ भी खर्चा करते हो, है ना? तो क्या होता है वो, एग्जैक्टली पॉइंट क्या आ रहा है, उनका टेस्ट और हैबिट, टेस्ट अगर आपका सेम है, ठीक है, पर्टिकुलर टेस्ट है, पर्टिकुलर हैबिट है, और आप पर्टिकुलर फैशन है, मतलब आप पर्टिकुलर किसी ब्रांड के ही कपड़े पसंद करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप वीरो मोड़ा ब्रांड के ही क्लोथ्स पहनते हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर आपका टेस्ट, हैबिट, फैशन सेम है तो क्या हो जाएगा, इट विल अफेक्ट, देर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी. अरे पहले देखो ना, फैशन हमेशा चेंज होते रहता है. पहले वो बेल स्लीव्स वाले टी शर्ट्स आते थे, है ना, गर्ल्स के लिए बोल रही मैं, डंगरीज वगैरह आती थी, अभी इतना उसका, या बेल बॉटम जीन्स वगैरह आती थी, अभी इसका फैशन नहीं है. बेल बॉटम याद है वो अमिताभ बच्चन जो थे, अरे बॉयज़ को भी पता ना, बॉयज़ लोग भी पहनते थे ना यार, ऐसे क्या मेरे को घूर के देखते हो ना लायक लोग. अरे बेल बॉटम जीन्स होती ना, जो यहाँ से नीचे से ओपन रहती है, तो उसका फैशन अभी नहीं है. अभी पहन के जाओगे तो लोग बोले क्या, कुछ भी पहन रहे हो. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पर्टिकुलर टेस्ट, हैबिट, फैशन से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है. अगर अभी इसका बेल बॉटम जीन्स का फैशन चल रहा है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा. अगर आपका पर्टिकुलर वही टेस्ट है, वही हैबिट है और वही फैशन है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, और अगर कम हो रहा है तो फिर क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा. समझ में आया कंसेप्ट, समझा एवरी वन ऑफ यू? यस. अरे बढ़ू आगे, लड़कों का नाम लिया तो लड़कियां हंसती है, कैसे बच्चे रे मेरे, मतलब हाइट है. चलो आ जाओ, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन. टेस्ट एंड हैबिट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. इन्फ्लुएंस मतलब, वही दिया इन्फ्लुएंस वर्ड, मतलब बताओ ना मुझे, मुझे नहीं आती इंग्लिश. इन्फ्लुएंस करना मतलब, टेस्ट और हैबिट इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को, मतलब अफेक्ट करता है, अरे उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसा हिंदी में बोलोगे तो, ठीक है, अफेक्ट करता है अगर इंग्लिश में बोलोगे तो. लिख लो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, ओके. जैसे कि फीचर्स सेम होता है, डिटर्मिनेंट्स सारी चीज़ें सेम है. चलो आ जाओ, इफ़ पीपल गेट हैबिचुएटेड, अगर पीपल हैबिचुएटेड हो जाता है टू कंजम्पशन ऑफ सर्टेन गुड्स, हैबिट हो गई है सिर्फ चाय ही चाहिए या सिगरेट ही चाहिए, ठीक है, दे विल नॉट गिव अप द हैबिट्स इजिली, वो लोग इजिली हैबिट गिव अप कर ही नहीं सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी ड्रंकर को बोलो कि भाई तू शराब मत पी, वो तुमको एक खींच के देगा
या सिगरेट बोलो उसे हाथ से सिगरेट लो कि कोई जरूरत नहीं अगली बार से पीने की, ऐसा पड़ेगा ना आपको, ठीक है, ट्राई कर लो अगर कोई होगा आपके पहचान में तो, ठीक है। तो इफ पीपल गेट हैबिचुएटेड टू कंजम्पशन ऑफ सर्टेन गुड दे विल नॉट गिव अप द हैबिट्स इजिली, वो लोग इजिली हैबिट गिव अप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर लिकर सिगरेट्स उनको आदत हो गई है, उसकी हैबिट हो गई है, उसके नशे हो गए हैं, ठीक है। सिमिलरली न्यू फैशन, अगर कोई न्यू फैशन हिट हो जाता है मार्केट में, कोई नया फैशन हिट हो गया, एकदम से फैशन चेंज हो गया, ठीक है, देर इज अ सडन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर सच गुड्स व्हेन गुड्स गो आउट ऑफ फैशन डिमांड टेंड्स टू फॉल। अरे फैशन बढ़ गया, फैशन चेंज हो गया तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर फैशन कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर योर टेस्ट एंड हैबिट। डन एवरी वन ऑफ यू, बना लो चार्ट, बना लो बाजू में फटाफट से, मुझे लेक्चर्स के बाद तुरंत, लेक्चर शुरू होते एकदम ऐसे धमाल किया करो, लेक्चर्स एंड होते अपने व्हाट्सएप ग्रुप में धमाल किया करो, ठीक है, फटाफट से जो भी आपके चार्ट नोट बनाए वहाँ पे ऐसे फटाफट से व्हाट्सएप करो, जैसा बनाया, रफ बनाया, गंदा बनाया, जो बनाया बनाओ बेटा, व्हाट्सएप करो, आपको एक आदत लग जाएगी मेरे साथ साथ पढ़ाई करने की, ठीक है, ओके। चलो बताओ मुझे पॉइंट नंबर 7 समझ में आया। अरे देखो 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 इधर देखो श्रद्धा, वेन सच, देखो कोई नया फैशन हिट हो गया मार्केट में, ठीक है, जैसे कि अपन अभी क्या बोल सकते हो आप, पहले कुर्ती लेगिंग्स चलता था, ठीक है ना, अभी वो शॉर्ट लेगिंग्स चलता है, वो क्या बोलते हैं एंकल लेंथ वाला चल रहा है। तो अगर न्यू फैशन एकदम से हिट हो गया मार्केट में तो देर विल बी इंक्रीज इन डिमांड फॉर दैट एंकल लेंथ लेगिंग, यस सर नो, ठीक है। वेन सच गुड्स गो आउट ऑफ फैशन, और अगर उसका फैशन वापस कम हो गया तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो वही चीज़ है, फैशन चेंज हो गया या बढ़ गया, चेंज हो गया मतलब बढ़िया ना, कुछ फैशन चेंजेस हो गए तो क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगा, और डिक्रीज हो गई कुछ फैशन तो क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाएगी। यस, आप ये नोट्स आपके अकॉर्डिंगली लिखो, ठीक है, डन, ओके। चलो तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 7, हाँ ना, पॉइंट नंबर 10, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं अदर फैक्टर्स। अरे गाइस कुछ अदर फैक्टर्स भी है, जैसे कि ना अपने मान लो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, जैसे ये पुणे में कि मैं बात कर रही हूँ, पुणे में तो गाइस गर्मी का माहौल, गर्मी के टाइम पे भी यहाँ पे बारिश आ रही है, तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग जो समर क्लोथ्स कॉटन वगैरह के क्लोथ्स परचेज करने से बेटा, वी आर परचेजिंग हियर रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर चेंज होती है तो भी डिमांड में चेंजेस होता है, समझ रहे हो, क्लाइमेटिक अगर एकदम से ठंडी आ गई, ठीक है, ठंडी आ गई फिर तो क्या, अगर विंटर में अगर बहुत ठंडी, एकदम से बहुत ठंडी पड़ने लग गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वुलन क्लोथ्स की डिमांड कर देंगे, वुलन क्लोथ्स की डिमांड एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगी। या फिर अगर कोई चेंजेस हो रहे टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे, मतलब मान लो कोई न्यू मशीन्स आ गई है, न्यू मशीनरी वगैरह आ गए, कोई नया इक्विपमेंट्स आ गया है जिससे प्रोडक्शन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ही नहीं लगते हैं। अब इतने बिंदास तरह से प्रोडक्शन होता है ना, पहले आप 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर देते, अब ऐसी मशीन आ गई है मार्केट में जिससे आप 10,000 यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस कर सकते हो, तो प्रोडक्शन का बोल क्या बोलोगे आप, रुको, तो अगर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हो गया है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गया है तो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज होगा, यस और नो, मतलब क्वांटिटी टेक्नोलॉजी अगर कुछ अच्छी आ गई के लिए मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया है, और क्वांटिटी, एक मिनट रुको, टेक्नोलॉजी अगर कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ इंप्रूव हो गया है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी गई, बढ़ जाएगी, ठीक है, और अगर टेक्नोलॉजी कम हो गई है तो फिर क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाएगी। या फिर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी एकदम जैसे सडन उन्होंने डीमोनिटाइजेशन, या ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में अच्छी तरह से बताया था, उन्होंने सडन डीमोनिटाइजेशन पॉलिसी लेकर आ गए थे, सडन उन्होंने जीएसटी पॉलिसी लेकर आ गए थे, तो उसके कारण भी डिमांड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, यस और नो, गवर्नमेंट की पॉलिसी बढ़ चेंज होगी तो भी डिमांड में चेंजेस आएंगे, चेंजेस होंगे, यस, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, मतलब ये जो है ये अदर फैक्टर्स है, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे कि चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, जैसे कि चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, मतलब मान लो उन्होंने ना एक गुड्स को टैक्स फ्री कर दिया, मतलब मान लो अभी बच्चों को अभी मोबाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है,
क्योंकि हर किसी के जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो मोबाइल पे टैक्स माफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल के रेट एकदम से कम हो जाएंगे, मोबाइल के रेट कम हो जाएंगे, जीएसटी नहीं लगता मोबाइल पे। अब जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो बच्चों को, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली, तो मोबाइल के रेट कम हो जाएंगे, मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यस, बढ़ू आगे। पक्का समझ में आया सभी को? एनी पॉइंट विच यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन मोर फर्दर, कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो बोलो पक्का से। यस यश, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यश किधर गया? अभिषेक हजारे बेटा बोलो। सानिका भी न्यू हुआ है ना? सानिका, यश जो भी बच्चे नए हैं हमारे, ठीक है, जिन्होंने अभी से ज्वाइन किया है, बेटा मेक श्योर आप चैप्टर थ्री के जो दो तीन लेक्चर्स हुए हैं, आज फोर्थ लेक्चर है चैप्टर थ्री का, तो तीन लेक्चर जो है शुरू के वो पहले से उतना फटाफट से देख लो, ठीक है, आज ही फिनिश कर लो, कल इवनिंग तक टाइम है, आप वो फटाफट से फिनिश कर लो, कल हमारे साथ पूरा चैप्टर थ्री से आप फुल फ्लेश मेरे साथ रहोगे, ठीक है। एवरीवन डन? यस ओके, चलो देख लिया, वेरी गुड। चलो अच्छा जी, तो अभी एक और पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। गाइस मुझे एक बात बताओ ना, ये भी एक पता है, ये भी ऐसा पॉइंट है जो आपके डिमांड को अफेक्ट करेगा। कौन सा पॉइंट है? एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, मतलब फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होने की एक्सपेक्टेशंस है। मैडम फॉर एग्जांपल, जैसे सुनो अभी मिंत्रा पता है सभी को क्या है? इट्स एन एप्लीकेशन, इनका एक ऐप है, ठीक है, जो सेल करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, मतलब क्लोथ्स पर्टिकुलरली, ठीक है। अरे यस और नो पता है ना सभी को, या मैं गलत एग्जांपल ले रही हूँ? अच्छा ठीक है छोड़ो। अजियो पता है? मैडम ये भी नहीं पता, छोड़ दो। फ्लिपकार्ट पता है? अब ये तो पता ही होगा यार, फ्लिपकार्ट अमेजोन, ये तो पता है फ्लिपकार्ट अमेजोन। मुझे एक बात बताओ, ये जो एप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ना कुछ ऑफर्स आने वाले हैं, यहाँ पे सेल आने वाला है, कुछ बिग बिलियन डेज सेल आने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल आने वाले हैं आपको। मिंत्रा में अभी उन्होंने कुछ एंड ऑफ सीजन सेल चालू है, एंड ऑफ सीजन सेल, ठीक है, या कुछ और अजियो में भी सेल चालू है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी सेल चालू। जब एक ऐप सेल देता है ना, तो दूसरे बाकी ऐप्स भी सेल देना शुरू कर ही देते हैं, ठीक है अपार्ट। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे ये पता है कि यार कल से ही ना सेल लगने वाला है मिंत्रा पे या फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या अजियो पे, ठीक है, जो आप पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हो वो पर्टिकुलर ब्रांड वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, लाइक यू परचेज वीरोमोडा, तो वीरोमोडा भाई यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है ओके। तो मुझे एक बात बताओ ना, क्या आप मिंत्रा से आज खरीदोगे कि, ये मिंत्रा ही है, ठीक है, मिंत्रा से आज खरीदोगे क्या, आज परचेस करोगे क्या, आज आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, आज परचेस करोगे क्या, जब आपको पता है कि कल सेल आने वाला और कल प्राइसेस कम होने वाली है? टेल मी, खुद बताओ, खुद आंसर, सारी चीजें आपके पास है, बस ध्यान से थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की जरूरत है। ओके, नहीं खरीदेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा चलो, आपको ये पता है यहाँ पे तो प्राइसेस कम हो रही है, ठीक है, कल प्राइसेस कम होने वाली थी तो आप आज नहीं खरीदोगे। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल के प्राइसेस कल से ना बढ़ने वाले हैं, तो आज आपका क्या रिएक्शन होगा? आज कल से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, एक रुपये से बढ़ गया चलो, तो आज क्या करोगे? मैडम का लेके जाएंगे, टैंक फुल करवाएंगे, फिर आएंगे, फिर डैडी की गाड़ी लेके जाएंगे, फिर टैंक फुल करेंगे, फिर आएंगे, फिर बहन की, फिर टैंक फुल, फिर आएंगे, फिर मम्मा की, फिर टैंक फुल, मतलब हम लोग टैंक फुल करेंगे मैडम, आज ही ज़्यादा परचेस कर लेंगे, आज ही परचेस कर लेंगे, आज ही क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर लेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में
देखो आ जाओ, चलो अब जो भी आपने बोला उसका नोट्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है? आपको क्या लग रहा है फ्यूचर्स में एक्सपेक्टेशंस क्या है आपका? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कि प्राइसेस जो है वो कम होने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? क्वांटिटी डिमांड टुडे, आज की क्या करोगे? कम कर दोगे। आज खरीदोगे क्या गाइस? आज खरीदेंगे क्या हम लोग क्वांटिटीज? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कम होने वाला है ना, कल से सेल आने वाला, आज क्यों खरीदू? यस और नो? और अगर कल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कल बढ़ने वाले, तो हम आज ही खरीदेंगे, तो आज क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? एवरी वन ऑफ यू कंसेप्ट समझा? टैंक फुल करेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे, यस। समझ में आया? तो चलो आ जाओ यार, नोट्स में आ जाओ। इफ, अब वही लाइन लिखी है जो आपने बोला, वही लिखा है। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट कि प्राइस जो है वो कम होने वाली है, फॉल इन फ्यूचर, अरे कल प्राइस कम होने वाली है, कल सेल लगने वाला है, तो आज क्या करेंगे? कम खरीदेंगे, जरूरत रूपी खरीद लेंगे। जस्ट अगर आज बहुत नीड है, घर में शादी है कुछ है, तो बस आज का पूर्ता खत्म। यस और नो? ही विल बाय लेस एट प्रेजेंट प्राइसेस। इफ सिमिलरली, इफ ही एक्सपेक्ट कि प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, प्राइसेस बढ़ने वाली है, पेट्रोल वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे? आज ही पेट्रोल भरा लेंगे। वही चीज लिखी है। अब इसको ना एकदम से रट्टा मारा ना तो दिक्कत जाता है, तो क्या करना है आपको? बस ये चार्ट्स बना के रखो, खत्म। ओन वर्ड में लिखो, खत्म। ठीक है मैडम, अंदर के कंटेंट तो समझ रहे, लेकिन पॉइंट्स, अरे मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हो? बताती हूँ ना, शांति तो रखो, पहले पॉइंट्स हो जाए, फिर मैं आपको लर्न करने की टेक्निक भी बताती हूँ। तो हो नहीं सकता कि लर्न करने की टेक्निक ही नहीं हो, है ना? चलो आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 डन, एवरी वन ऑफ यू? यस, समझा? ओके, अब क्या बजी आ रहे भाई यहाँ पे? ओ चलो आ जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान से समझेंगे। गुड्स, अब गुड्स ना दो टाइप के होते हैं। गुड्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। फटाफट से नोट्स बनाओ, चार्ट्स लिखो। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब जो भूमिका है ना, भूमिका है, ठीक है? भूमिका को क्या कहते हैं बताइए? उसके लिए ना घर में रिश्ता देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं शादी के लिए, तो उसके पेरेंट्स उसको एक लड़का दिखाते हैं जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, जो सीए है और सीएस भी है, ठीक है? दूसरा बंदा दिखाते हैं, अच्छा ये भी स्मार्ट है और हैंडसम है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भूमिका के लिए देख रहे भाई अपन, ऐसा वैसा नहीं देखेंगे। स्मार्ट है, हैंडसम है, मस्त है, अच्छा खाता कमाता है, गवर्नमेंट जॉब है, मतलब सिक्योर लाइफ है, ठीक है? यहाँ पे भी भूमिका के लिए लड़का देख रहे हैं, भाई इसकी भी गवर्नमेंट जॉब है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है। लो रे भाई, तुमको पोस्ट से भी दिक्कत है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है तो ये सेल्स टैक्स ऑफिसर है, समझ लो कितना छापता है, ठीक है? अच्छा ये सीए है, ये सीएसीएस है, तो ये लो ये सीएसीए में है, ये भी स्मार्ट है, हैंडसम है, एवरीथिंग, ठीक है? इसकी भी फैमिली अच्छी है, इसकी भी फैमिली एवरीथिंग से। तो मुझे एक बात बताओ, भूमिका किसको चूज करेगी? अच्छा भूमिका को दोनों ही पसंद है, भूमिका को ना एक और कंडीशन डालती हूँ, भूमिका को दोनों पसंद है। अब बताओ भूमिका किसको चूज करोगे बेटा? भूमिका बोलती मैडम मैं सोच के बताती हूँ। बोलो बेटा किसको पसंद करोगे? भूमिका सोचोगे मन मन में, मैडम दोनों चलेंगे, आ जाए इधर गई सी। देखो एक एक पॉइंट समझो, इन दोनों के बीच में ना भारी कंपटीशन है, भारी का कंपटीशन इन दोनों के बीच में, मतलब ये है तो भी चलेगा, ये है तो भी चलेगा, मतलब यार करूँ तो करूँ क्या? मम्मा किसको हाँ बोलूँ? आप ही बोल दो यार, मतलब ऐसी वाली सिनारियो आ जाएगी, ठीक है? अच्छा ये कब होगा भूमिका पता है? जब आप खुद सीए सीएस होंगे तब ऐसे ऑफर्स मिलेंगे, तो कई बार पढ़ना तो यार मेरे बच्चे तो तोड़ पढ़ना है, मतलब तुम लोग सिर्फ उठो सुबह डेली बेसिस पे, उठ क्यों नहीं रहे हो मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको 2-2 बजे उठ के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 2 बजे 3 बजे 4 बजे मैं जब भी उठती हूँ मैं वहाँ पे डेली मैसेज करती हूँ, तो आप लोग क्यों मैसेज नहीं करते हो गई?
ये मैं सिर्फ आपको आदत लगा रही हूँ आपके फ्यूचर बनाने के लिए। मेरा क्या जाएगा आप खुद सोचो ना, क्या जाएगा मेरा? मैं क्यों कर रही हूँ आपके लिए? मतलब क्या मेरा इसमें कुछ भी फायदा है क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनेगा, मेरे बच्चे तोड़ बनेंगे, मतलब वो लोग इतना रॉकिंग मार्क्स लेकर आएंगे ना, सीरियसली तुम्हारा स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज के बारे में तुम्हारा बोर्ड होगा, इसीलिए सारी मेहनत करवा रहे थे और क्या है। ठीक है, दो दो बजे उठो, मतलब 2 बजे नहीं, ठीक है आप आपके कैपेसिटी के हिसाब से उठो, आप 3 बजे 4 बजे तो उठ के पढ़ाई स्टार्ट करो, 4 o'clock तो उठो गाइस, 4 o'clock 5 o'clock ये तो नॉर्मल है, 12th बोर्ड के बच्चे हो यार। मैडम बोर्ड एग्जाम नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? चलो, किसके दिमाग में ऐसे सवाल आते रहे भाई, मेरे को ये बता दो। तो आप पढ़ रहे थे सुबह 6:30 बजे उठ के, ग्रेट, किसके दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं ये बताओ मुझे, कौन है कि मैडम इस बार भी एग्जाम नहीं हुई तो क्या? एक बात बोलूं, जिनकी एग्जाम, जिन सुनो अभी, जिनको 11th ऐसे ही प्रमोट कर दिया उनका 12th में, अच्छा सुनो ना, तुम्हें ही 11th प्रमोट किया था, अपनी बैच है जिसको 11th फोकट में प्रमोट किया था, यस और नो टेल मी, मुझे बताओ 12th का कितना आता है तुमको, 11th आनर का कितना आता है? 11th आनर का मैथमेटिक्स आता है क्या? 11th आनर का इको आता है? 11th आनर का अकाउंट्स आता है क्या? अच्छा से मैडम एग्जाम ही नहीं हुई क्यों पढ़े? ऐसी हालत होती है, समझ रहे हो? मतलब सिर्फ डिग्रीज आ गई है और कोई मतलब नहीं, वेस्ट है, एटलीस्ट नॉलेज गेन करके मेरे को, एग्जाम होना नहीं होना, एग्जाम होके रहेगी, बिकॉज CA की एग्जाम हो रही है, CS की हो रही है, सारी एग्जाम हो रही है, तो अपनी भी एग्जाम होने ही वाली है, यू नो कि अभी CA की एग्जाम चालू है, 5 जुलाई से CA की एग्जाम चालू हो गई है, CS की एग्जाम भी आई थिंक अगस्त मंथ से चालू है, आपकी होने ही है, यस और नो? दिसंबर तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वैक्सीनेशन हो रहे हैं और क्या चाहिए, ठीक है? तो ये सारे फालतू चीज़ें मत लेके आओ यार गाइस, फुल ऑन मेहनत करो, मतलब थोड़ा भी इस तरह से माइंड में थोड़ा भी ऐसे खराबी वाला थॉट्स आता ना, प्लीज़ एक व्हाट्सअप कर दो अपनी टीचर को, आपकी टीचर बैठी हैं आपके लिए, ठीक है? चलो आ जाओ बैक टू आवर टॉपिक। हाँ तो गाइस, इन दोनों के बीच में तो भारी कंपटीशन है भाई यार, भारी कंपटीशन है। तो ऐसे गुड्स जिनके बीच में भारी कंपटीशन होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? ये इसलिए एग्जाम्पल से करा है क्योंकि जिंदगी भर याद रखोगे। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन होते हैं? जिनके बीच में आपस में कंपटीशन होती है। मतलब मैडम फॉर एग्जाम्पल दो ना कुछ, जैसे टी एंड कॉफी। मुझे एक बात बताओ, अगर टी की, चाय की अगर प्राइसेस, मतलब मान लो चाय ना दो दो रुपए में बिकने लग रही है, चाय की प्राइसेस कम हो गई है, तो कॉफी का क्या हो जाएगा? चाय की प्राइसेस कम हो गई गई तो क्या हो जाएगा? कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कॉफी का क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा मैडम? कम हो जाएगा क्योंकि चाय सस्ती मिल रही है ना। ध्यान से सुनना, ये लिखने को नहीं आता बच्चे, आप लोगों को समझ में आ जाता है लेकिन लिखने को नहीं आता है, ठीक है? वापस से ध्यान से सुनो, टी और कॉफी में आपस में कंपटीशन है या नहीं है? फर्स्ट टेल मी दिस पॉइंट, टी और कॉफी में आपस में कंपटीशन है? यस, यहां तक क्लियर? ओके, अब मुझे बताओ, अगर चाय दो दो रुपए में इतनी सस्ती हो गई कि दो दो रुपए में मिल रही है, तो कॉफी कौन खरीदेगा? मतलब कॉफी इतनी महंगी चीज कौन खरीदेगा? कॉफी की हम डिमांड कम कर देंगे क्योंकि हम डिमांड किसकी इंक्रीज करेंगे? सबके सब टी में शिफ्ट हो जाएंगे, सबके सब चाय पीना पसंद करेंगे, सस्ती है ना, समझ रहे हो? ओके, अगर टी की प्राइसेस महंगी हो गई, मतलब मान लो 50 रुपए का आज 5 रुपए में एक कप मिलता है आपको छोटा सा बाहर, ठीक है, कटिंग बोल दो जिसको आप, अब 50 रुपीज में एक कटिंग मिलने लग गया, तो मैडम हम ना कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे, इतने महंगी चाय क्यों पे, कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो गाइस मुझे एक बात बताओ ना, इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है? महेश वही कहता जो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला उठ जा तो वो उठ गया, उसकी माई गर्लफ्रेंड ने बोला बैठ जा तो वो बैठ जाता। अरे उसकी मतलब वो बोल रही है मैडम शॉपिंग करो, चलो महेश मुझे शॉपिंग के लिए जाना, तो महेश बोलता ठीक है यार चलो, बोलती नहीं मुझे आज कहीं नहीं घूमना, मुझे आज घर पे ही रहना, फिर बोलता ठीक है आज नहीं जाएंगे आज कहीं पे। तो क्या है इनका, इनका आपस का रिलेशनशिप क्या है गाइस? ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, समझ में आ रहा है? डन एवरीवन। अरे इनवर्स किधर से? प्रभु किसने बोला इनवर्स?
वरद श्रद्धा आराती समीक्षा क्या कर रहे हो बेटा? डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट है ना बेटा? एरोज देखो, एरोज एरोज देखो। डन एवरीवन, समझ में आया? इसलिए तो एग्जांपल दे रही हूँ, बीच बीच में उसको रिलेशनशिप को भी पकड़ के रखा मैंने, पता है क्या आपके लिए। डन एवरीवन, ओके चलो। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके मैडम, फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगे? अभी ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट? दूसरा गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री। चलो आ जाओ, ये सब तो एग्जाम्पल था, राइट? ये इसको मिटा देते हैं। गाइस एग्जाम्पल के साथ नोटबुक में लिखना, फटाफट से नोट भेजो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये गुड्स क्या होते हैं? जो एक पे एक फ्री मिलता है, जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है एक के साथ एक फ्री। ठीक है, जैसे हम खरीदने के लिए तो गए थे, हमारी मम्मा बिग बाजार में कुछ खरीदने के लिए गई थी, और वहाँ पे उन्होंने एक ऑफर रखा कि अगर आपकी जो परचेजिंग है वो 2,500 से ज़्यादा होगा तो हम आपको एक अम्ब्रेला देंगे, हम आपको एक छतरी देंगे, छतरी, ताकि आप प्रोटेक्शन से बाहर वापस हमारे बिग बाजार में आ सकते हो, चिंता वाली बात नहीं है। तो ये अम्ब्रेला क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, समझ में आ रहा है एवरीवन? अच्छा फॉर एग्जांपल दूसरा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, समझ में आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, एडिशनल गुड्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बढ़ू आगे, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या ले सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल अपना पानी और इधर पूरी, ठीक है, पानी पूरी। मुझे एक बात बताओ, आप शॉप में जाके तो बोलोगे कि भैया मुझे एक बात बताओ ना, कहीं सिर्फ पानी, पानी पूरी का सिर्फ और सिर्फ पानी है, पूरी नहीं है, तो कोई मतलब है क्या? दोनों चाहिए ना, दोनों चाहिए ना, यस और नो? ठीक है, तो मतलब पानी का यूज़ कभी है जब पूरी है, और जब पूरी का यूज़ कभी है जब पानी है, मतलब दोनों साथ में चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो दोनों साथ साथ चलते, दोनों जो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो दोनों, अच्छा ये वाला एग्जांपल हटा दो, ये बिग बाजार वाला हटा दो, ये पानी पूरी का लो, समझ में आ रहा है? ये जो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। डन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल बताती हूँ, पेन और इंक, पेन और इंक। मुझे एक बात बताओ ना गाइस, पेन, चलो आ जाओ, ये मिटा दूँ गाइस, ये मिटा दूँ? आप पॉज करके लिख लेना लेक्चर्स में, ठीक है? पेन और इंक, ठीक है, पेन और इंक साथ साथ लगेंगे, बिना सिर्फ और सिर्फ पेन है, खाली पेन और इंक नहीं है क्या मतलब, और सिर्फ और सिर्फ इंक है पेन नहीं है क्या मतलब, समझ रहे? मतलब ये दोनों गुड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को आपस में सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ सपोर्ट करते हैं, मॉम डैड सपोर्ट करते हैं, कोई एक भी नहीं है तो नहीं चलता यार, समझ में आ रहा है? एवरी वन ऑफ यू कंसेप्ट समझा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। अच्छा अब इसके एग्जाम्पल देखो, ये कैसे क्या हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, आपको पता है? सिर्फ पेन की प्राइसेस, पेन की प्राइसेस बढ़ जाती है, किसकी बढ़ जाती है? पेन की प्राइसेस अगर बढ़ जाती है तो मुझे एक बात बताओ ना, इंक का क्या करोगे? इंक का क्या करेंगे हम? कोई यूज नहीं है तो इंक के हम लोग क्या करेंगे, कहीं डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे? अरे पेन महंगे हो गए तो इंक खरीदना कम कर देंगे ना, डिमांड कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लो कार एंड पेट्रोल लो, चलो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, अब यहाँ पे मैं उल्टा लेती हूँ, पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो बढ़ जाती है, तो कार आप खरीदने से पहले सोचोगे यार अपन कार ले तो लेंगे ना, लेकिन घुमा ही नहीं पाएंगे, मतलब जिस पर्पज़ के लिए कार ले रहे हैं, ठीक है, ये सैलरी में हम कार को नहीं घुमा पाएंगे, मतलब बिंदास से, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कार की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी,
पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, पेन की प्राइसेस बढ़ रही है तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी। एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपस में? डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, टेल मी एवरीवन। डायरेक्ट हाँ यस, मोबाइल एंड चार्जर, नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, सारे नाम एक ही है, नेगेटिव, इनवर्स, इनडायरेक्ट। कभी आंसर बढ़ाना है तो ये सारे वर्ड्स काम में आएंगे आपके, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कैसी होती है? इन दोनों का, इनके जो आपस के रिलेशनशिप कैसे होते हैं गाइस? नेगेटिव होते हैं। और इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के? डायरेक्ट। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो चलो यार आ जाओ फटाफट से नोट्स में आ जाओ। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? हमने टी और कॉफ़ी का लिया था, है ना? आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल है, शुगर और जागरी। ये एग्जाम्पल भी लिख कर रखो, याद नहीं आते एग्जाम में, शुगर और जागरी। चलो द डिमांड फॉर चीपर सस्ते सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिमांड फॉर चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स विल राइज। मतलब अगर चाय की प्राइसेस अगर बढ़ गई है, चाय की जो प्राइस है वो बढ़ गई है, when there is fall in price of such goods. अच्छा रुको, फॉर एग्जाम्पल when price of sugar rises, जब शक्कर की prices बढ़ जाती है, demand for जागरी will rise. मैंने क्या बताया था आपको, जब चाय की prices क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक चाय 50 रुपये का मिल रहा है तो आप कॉफ़ी में चले जाओगे, कॉफ़ी की डिमांड को, क्वान्टिटी डिमांड किसकी बढ़ाओगे, कॉफ़ी की बढ़ा दोगे। जब शुगर की प्राइसेस बढ़ जा रही है, शुगर की प्राइसेस जब बढ़ जा रही है तो आप किसकी डिमांड बढ़ा दोगे, जागरी की। ऑटोमेटिकली जागरी में शिफ्ट हो जाओगे, येस और नो? तो कैसा रिलेशनशिप है दोनों में? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डन एवरी वन ऑफ यू? समझ में आया अच्छी तरह से? बेटा दो मिनट बस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है? सर को बोलो 2 मिनट वेट करें। चलो यहाँ तक समझ में आया? ओके नाउ, अब मैं इसको मिटाती हूँ और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं गाइस? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर ऑलवेज टुगेदर, जॉइंटली सपोर्ट ईच अदर, जो हमेशा साथ साथ होते हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल, टीवी एंड सेटअप, टी एंड शुगर, चाय पीना है तो शक्कर लगेगी, पेन और रिफिल, और अभी हमारे बच्चे ने एक एग्जाम्पल दिया, मोबाइल है तो चार्जर लगेगा। आजकल तो ऐसा भी बोलते होते, मोबाइल है तो इंटरनेट लगेगा, यस और नो? विदाउट इंटरनेट तो वेस्ट है मोबाइल आपका। If price of one good increases, demand for the other will fall. अगर मुझे बताओ इंटरनेट के चार्जेस बढ़ गए, अब 1000 रुपये हो गया, फिर आप ऑटोमेटिकली ना मोबाइल की जो डिमांड आज कर रहे हो ना वो कम कर दोगे, यस और नो? प्राइस ऑफ फ्यूल, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो कार की डिमांड कम कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस? इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप। और यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, यहाँ पे लिख लो फटाफट से, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है? डन। तो हियर वी हैव फिनिश्ड ऑल योर पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स हमने फिनिश कर लिए, ठीक है? ओके चलो जी, डन योर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डन, ठीक है? ओके चलो, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। यस बिल्कुल बिल्कुल बेटा, नोट दे देती मैं आपको, ठीक है? ओके चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। और फटाफट